गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है आणंद। आणंद को देश में दूध की क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड के जन्म स्थान के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर मौजूद है एक ऐसा अनूठा शिक्षण संस्थान जो गांवों के देश भारत के लिए न सिर्फ रूरल मैनेजर तैयार करता है बल्कि ऐसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स तैयार करता है जो कॉरपोरेट के अलावा सहकारिता की जमीनी समझ के साथ गांवों पर आधारित अर्थव्यवस्था संचालित कर सकें। मसलन किसानों की फसल दूध या अन्य उत्पादों को कैसे न सिर्फ बेहतर मार्केट मिले बल्कि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर लागत भी मिले। जी हां, हम बात कर रहे हैं इरमा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद की। करीब 60 एकड़ में फैले इस हरे भरे कैंपस वाले संस्थान ने अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे किए हैं। इरमा के जनक थे देश में सहकारिता के जरिए दूध की क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जब इरमा का स्थापना हुआ तब ये महसूस किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले जो संस्थाएं हैं या कोऑपरेटिव्स हैं उनमें मानव संसाधन के कमी है, जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल मैनपावर की कमी है। इसलिए इरमा की स्थापना की गई ताकि इन सब संगठनों के लिए मानव संसाधनों का को उपलब्ध किया जाए। इस संस्थान में आकर आपको महसूस होता है कि यहाँ डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सोच हर जगह रची बसी है। उन्होंने संस्थान की स्थापना खास तौर पर भारत के ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए किया। संस्थान की खासियतों और उसकी उपयोगिता के साथ ही इसकी स्थापना की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है और ये क्लासरूम मैनेजमेंट से उलट फील्ड पर जाकर ट्रेनिंग और अनुभव हासिल करने को वरीयता देता है। सबसे पहले जब यहाँ व्यक्ति आते हैं तो उनको हम लोग सीधा क्लासरूम में लेके नहीं जाते हैं। सबसे पहले आने के बाद में उनका एक ओरिएंटेशन होता है और ओरिएंटेशन में पहले तो शायद ये 2 हफ्ते का होता था, अब धीमे धीमे समय का अभाव हो गया क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा पड़ता है हम लोगों को, तो अब आगे करीब 6 दिन का 7 दिन का एक समय ऐसा आ गया कि जहाँ पर लोग बच्चे हमारे जो हैं आते हैं और तुरंत ही पहले गाँव में चले जाते हैं और गाँव में उन लोगों के साथ में रहते हैं कि जिनके साथ में इनको काम करना है, जिनके घर में सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके साथ में रह के दे गेट सेंसिटाइज कम्प्लीटली अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द रूरल एरिया। पहला टर्म खत्म होने के बाद हमें गांव में भेजा गया जो कि 7 हफ्तों का स्टेंट था। मैं राजस्थान की हूँ और मुझे अच्छा मौका मिला कि मैं राजस्थान के ही गांव में गई थी रहने के लिए। वो 50 दिन केवल एक सर्वे करने के नहीं थे, उन्होंने हमें बदल दिया अंदर से बदल के। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा बदल सकते हैं पर आप जड़ों को जानते हैं, आप जिन चीज़ों के लिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस अभाव को समझाना और उस अभाव के साथ भी खुश रहना सिखाना, वो इस कॉलेज का जो फ्रेमवर्क है वो आपको सिखाता है ये सब चीज़ें। संस्थान की स्थापना से पहले डॉक्टर वर्गीज कुरियन दूध यानी डेयरी के क्षेत्र में देश में जाना पहचाना नाम बन चुके थे। मिल्कमैन की उपाधि तो उन्हें पहले ही मिल चुकी थी लेकिन वो तलाश में थे ऐसी टीम की, ऐसे लोगों की जो उनके काम और उनके सपने को आगे बढ़ा सकें। यानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि देश के ग्रामीण इलाकों को ऐसे कई सैकड़ों हजारों कुरियन की जरूरत थी जो मिट्टी की महक को महसूस करते हों और गांव की जरूरत को समझकर उसकी अपार संभावनाओं को भी तलाश सकें। इरमा की स्थापना से पहले ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जब डेयरी कोऑपरेटिव के पोटेंशियल को पहचाना तब न तो गांव से जुड़ा कोई कोर्स होता था और न ही इसके मैनेजमेंट से जुड़ा कोई पाठ्यक्रम था। उन्होंने अमूल जैसे डेयरी ब्रांड को खड़ा किया जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना था। इरमा के जन्म की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। डॉक्टर कुरियन जब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत महसूस हुई जो सहकारिता को समझते हुए और गांव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए
नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर सकें। लेकिन उस दौर में प्रतिष्ठित माने जाने वाले भारतीय प्रबंध संस्थानों यानी IIM से निकले मैनेजर्स इस काम के लिए माकूल साबित नहीं होते दिख रहे थे। तब कुरियन को यह लगा कि गांवों के लिए ग्रामीण प्रबंधन वाले लोग चाहिए जो मन से ये काम कर सकें। दरअसल कॉरपोरेट प्रबंधकों में अधिकतर का झुकाव शहरी और बेहतर नौकरियों के लिए ही होता है। जो मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है देश में, वो कैटर करते हैं एक सेक्शन ऑफ कॉरपोरेट्स के लिए। लेकिन इरमा का जो फोकस है वो है कि कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और गांव पे फोकस दोनों का सम्मिश्रण करके कैसे करिकुलम डेवलप किया जाए। हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम है PGDRM जो मेन प्रोग्राम है, वो एक यूनिक प्रोग्राम है देश भर में। तो इसमें छात्रों को रूरल पर्सपेक्टिव के को देखते हुए मैनेजमेंट सिखाया जाता है और ये बेटर इक्विप्ड होते हैं रूरल सेक्टर में अपना योगदान देने के लिए। कुरियन एक संस्थान खड़ा करना चाहते थे। इसकी चर्चा जब उन्होंने IIM अहमदाबाद के निदेशक रवि मथाई से की तो मथाई ने उन्हें IIM के बोर्ड में आने का निमंत्रण दिया। कुरियन ने देखा कि भारत सरकार के भारी भरकम खर्चे से पढ़कर निकले ये विद्यार्थी अक्सर मोटी सैलरी में विदेश चले जाते हैं। बोर्ड मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि IIM से निकले इन मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए देश में ही 3 साल काम करने को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। तभी बोर्ड मीटिंग के दूसरे सदस्य ने कहा कि कुरियन साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि IIM से निकला मैनेजर स्कॉलर बनकर गांव जाकर गाय का दूध निकाले? इसी बात पर नाराज कुरियन मीटिंग छोड़कर निकल गए और बाद में बोर्ड की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस संकल्प के साथ कि अपना एक संस्थान बनाया जाए। और फिर रवि मथाई की सलाह से शुरू हो गया संरचना से लेकर कोर्स डिजाइन और फैकल्टी रखने का सिलसिला, और फिर स्थापना हुई इरमा की 1979 में। इसकी स्थापना में स्विस सरकार के साथ गुजरात सरकार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और भारत सरकार का योगदान रहा। एक किसी बोर्ड मेंबर ने उनका उपहास उड़ाया और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे काम करें जाके तबेलों में काम करें। डॉक्टर कुरियन को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, उनने तभी के तभी IIM अहमदाबाद के बोर्ड से रेजिग्नेशन दे दिया। उनके कज़िन श्री रवि मथाई जो IIM अहमदाबाद के तब डायरेक्टर थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो, मैं मैनेज कर सकता हूँ चीज़ें, पर मैं अकेडमिशन नहीं हूँ, तुम अकेडमिशन हो, तो मेरी मदद करो ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करने में जो ये कर सके, जो मेरा सपना है उसे पूरा करने में मेरी मदद कर सके और आगे ऐसे लोगों को मदद कर सके। इस तरह इरमा का जन्म हुआ इस थॉट के साथ कि प्रोफेशनलाइज कैसे किया जाए रूरल मैनेजमेंट को, ग्रामीण प्रबंधन को। यही इसका जनक है, ये आइडिया ही इस इंस्टीट्यूट का जनक है। एक सवाल जहन में आता होगा कि जब देश में प्रतिष्ठित कई भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM मौजूद हैं और वहां उच्च स्तर की मैनेजमेंट की पढ़ाई और कोर्स हो रहे हैं, तो इरमा जैसे मैनेजमेंट संस्थान की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? यही बात डॉक्टर वर्गीज कुरियन भी समझाना चाहते थे। यहाँ पे हमें सारे वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो IIMs में और भी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो हमें रूरल सेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज देते हैं, जैसे RSP, रूरल सोसाइटी एंड पॉलिटी, सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल फिनेंस। तो ये हमें बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट दी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो एक रूरल पार्ट में रह रही है इंडिया के। आज इरमा से पढ़कर निकले मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स देश और दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन अधिकतर ने सहकारिता के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से खूब नाम भी कमाया है। ITC के हैं शिव कुमार, वो ITC ई चौपाल जो है वो उनका विजन था, वो हेड कर रहे हैं। ई चौपाल क्या, ई चौपाल फार्मर को बेटर प्राइजेस दिलाने का मोटिव रखता है, तो उसको वो हेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद PDLite में है संजय पनीग्रही, तो ये एक दो अलुमनाई हो गए। फिर आप जी मुरलीधर हैं, जी मुरलीधर बहुत अच्छा काम किया फिशरमैन के लिए, ठीक है। अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग सोसाइटी में काम कर रहे हैं। PRM 33 के एक आशीष अग्रवाल है जो रैग पिकर्स के लिए काम कर रहे हैं।
और साथ ही साथ आप एंडी मुखर्जी को भी देखेंगे जो कि ब्लूमबर्ग में पहुंच गए। संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित कई कोर्स संचालित किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम है 2 वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट यानी PGDRM। प्रबंधन में परास्नातक के समतुल्य इस कोर्स में सीटों की कुल संख्या 240 है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है, जिसके लिए देश भर में अनेक सेंटर रखे जाते हैं। संस्थान का दूसरा कोर्स है FPRM यानी फेलो प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट। छात्र मानते हैं कि यह संस्थान वो सिखाता है जो आम बी स्कूल नहीं सिखाते। एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। हमारे फर्स्ट टर्म के बाद एक VFS होता है, विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट, जिसमें सारे कॉलेज के बच्चे 3-3 के ग्रुप्स में ऑल इंडिया विलेजेस में रहते हैं फॉर 2 मंथ्स। वहाँ पे रह के हमें डीप स्टडी करना होता है पूरे गांव का, कैसे गांव सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। वहाँ रह के हमें रूरल इकोनॉमी को समझने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। उसके आने के बाद हम प्रेजेंटेशंस देते हैं अपने 2 महीने के फील्ड वर्क पे, जो कि वर्ल्ड बैंक से लेके बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स आते हैं हमारी प्रेजेंटेशंस देने, और उसके बेसिस पे हमारी ग्रेडिंग होती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स दैट IRMA हैज एंड दैट्स वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर्स दैट जो हम स्टूडेंट्स देखते हैं आने से पहले। गांव की वास्तविक जिंदगी से इन छात्रों को रूबरू करवाया जाता है, और वो भी तब जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं तो उन्हें विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट यानी VFS कार्यशाला के तहत 2 महीने के लिए गांव में बिना आधुनिक सुविधाओं के रहना पड़ता है। वो समझते हैं कि वास्तव में गांव के लिए क्या जरूरी है। वापस आकर वो अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं। पढ़ाई में ई बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, डेयरी डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस के गुर छात्रों को सिखाए जाते हैं। IRMA का जो करिकुलम लगा दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी रेगुलर जो बी स्कूल्स के जो करिकुलम, उससे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे रिलेटेड टू डेवलपमेंट सेक्टर और दी ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो बताते हैं यहाँ पे इन जनरल कि फील्ड पे क्या हो रहा है, कि रूरल में एग्जैक्टली जो हमारा यू नो GDP को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो पॉपुलेशन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रूरल इंडिया, सो हाउ मच हाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया। संस्थान में पढ़ाई के लिए तो अच्छी सुविधाएं हैं ही, इस आवासीय कैंपस में छात्र छात्राओं के रहने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था है। वाईफाई कैंपस, AC क्लासरूम, लैब्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल सुविधाएं, सभी कुछ है यहाँ। लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या 42,000 से भी अधिक है। इसके अलावा CD, CD-ROM, रिसर्च रिपोर्ट और जर्नल, फील्ड वर्क रिपोर्ट आदि सब कुछ है। लाइब्रेरी में 453 पीरियोडिकल्स और जर्नल ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है। छात्रों और फैकल्टी के लिए हॉस्टल की पूरी सुविधा है। छात्र छात्राएं कैंपस में उपलब्ध क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल आदि भी खेलते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक क्लब हैं, जिनमें निषाद्य मार्केटिंग क्लब, जिज्ञासा क्विजिंग क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लब आदि शामिल हैं। हॉस्टल को लेकर कुरियन की सोच थी कि हॉस्टल के छात्र या छात्राओं के लिए बड़े और अच्छे कमरे होने चाहिए, क्योंकि विकसित दिमाग के लिए बड़ी सोच जरूरी है। कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे प्रोग्राम की यूनिकनेस है, जैसे कि हमारे यहाँ कोर्स है एक डेवलपमेंट थियोरीज, जो आप किसी भी बी स्कूल में नहीं पाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स को और कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि रूरल सोसाइटी एंड पॉलिटी। बाकी जो इकोनॉमिक्स वगैरह कोर्सेज तो आपको आमतौर पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बी स्कूल्स में मिलेंगे, लेकिन उसमें भी रूरल इकोनॉमी को समझाया जाता है।
संस्थान और छात्रों का कहना है कि शुरू से ही संस्थान के छात्र छात्राओं को 100% कैंपस प्लेसमेंट मिलता रहा है। मिलने वाला पैकेज भी लगातार बढ़ रहा है। औसतन 20 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है, जबकि बीते साल अधिकतम 50 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी मिला है। यहां से निकले छात्र डेयरी एनजीओ के साथ कई क्षेत्रों में जाते हैं। इरमा का आधा खिला हुआ कमल जैसा लोगो विशेष संदेश देता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे उस समय यहाँ पर और आज भी जो आते हैं, दे कम विद अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट देन इट्स नॉट कम्प्लीट इन द सेंस ऑफ यू नो टेकिंग देम फॉरवर्ड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन द रूरल फील्ड्स, एंड इरमा विल हेल्प देम डूइंग दैट। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स के हाफ दे लेके आए थे एंड देन फुल दे गोइंग आउट। Some other people say that they are going with everything that they want to know about rural management, but then they go out and blossom in full, completely blossom in full. संस्थान तमाम IIMs की तुलना में अक्सर छात्रों की पसंदीदा जगह यूं ही नहीं बनता। शीर्ष 20 स्कूलों में देश में इसकी रैंकिंग काफी अच्छी रहती है। 2019 के टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में इसका छठा स्थान है, जबकि आउटलुक आई केयर इंडिया रैंकिंग 2020 में संस्थान 17वें पायदान पर रहा। संस्थान से पास आउट कई एलुमनाई देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो कई अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। अमूल कंपनी में MD RS सोढ़ी यहां से पढ़कर निकले और आज 39 साल बाद भी वही हैं। और उनका मानना है कि कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ गांव का विकास इस संस्थान में सिखाया गया और आज वो संदेश ज्यादा कारगर नजर आता है। जब इरमा बनाया उसको 80% लोग गांव में रहते थे रूरल इंडिया, 20% अर्बन इंडिया। उस वक्त जितने भी बड़ी बड़ी बिजनेस टीचिंग संस्था थे वो सिर्फ जो अर्बन इंडिया से रिलेटेड बिजनेस के लिए ही ग्रेजुएट तैयार करते थे। तो इरमा बनाया गया टू ट्रेन ग्रेजुएट्स फॉर रूरल एंटरप्राइजेस, जिसमें भारत के गांव के का जो उत्पाद होता है वहां की सर्विसेज लेके उनको कैसे मैनेज करना, उसके लिए रूरल मैनेजर्स की जरूरत थी, जो आज भी जरूरत है। तो रूरल मैनेजर्स फॉर रूरल एंटरप्राइज ये था। यहां से निकले लोगों यानी एलुमनाई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह से लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, बीजेपी सांसद जीवील नरसिम्हा राव के साथ कई लोग आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड से मशहूर है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी भी जाना माना नाम है। वो इरमा के पहले बैच के छात्र रहे हैं। सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए काम करने वाले NGO हेल्पेज इंडिया के मुख्य कार्यकारी मैथ्यू चेरियन 1982 बैच के किसानों के लिए एग्री बिजनेस का काम करने वाली ITC लिमिटेड के ग्रुप हेड शिव कुमार सुरामपुदी 1983 बैच के पास आउट हैं। देश और विदेश में संस्थान के 3000 से ज्यादा एलुमनाई हैं, जो इरमा का परचम बुलंद कर रहे हैं। इरमा के ग्रेजुएट्स की डिमांड है और बाकी स्टेक होल्डर्स का इरमा से जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रहा है। पहले जैसे मैंने कि बताया कि इरमा का शुरुआत ऐसे हुई कि सिर्फ हम कोऑपरेटिव देखेंगे, सिर्फ NGOs देखेंगे। उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स से एक्सपेक्टेशन हमारी रही हुई है और जो अभी रूरल एक ग्रामीण क्षेत्र जो इतना बड़ा हुआ है, वहाँ पर सरकारी जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, ये सारे एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इरमा का एक एक्सपर्टीज है जो इरमा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इरमा जैसे ग्रामीण प्रबंधन संस्थानों की महत्ता और भी बढ़ रही है। कारण ये है कि GDP में कृषि और ग्रामीण गतिविधियों का हिस्सा 17% से भी अधिक है। गांव में 70% देश की आबादी रहती है, लेकिन यहाँ गरीबी बेरोजगारी ने तेजी से शहरों की ओर पलायन का दौर चलाया। लेकिन ये भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की ताकत को अब कंपनियां भी समझ रही हैं और शहरी मार्केट में सैचुरेशन होने के बाद गांव की ओर रोजगार पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में इरमा जैसे संस्थान आज और भी प्रासंगिक होते दिख रहे हैं।
ताकि रूरल मैनेजर जो हम इरमा से जैसा जा रहे हैं उसी तरह इंस्टीट्यूट और भी होनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनलाइजेशन जो होना चाहिए एक्सेस लेयर में और आगे बढ़े। इरमा एक ही है, कुरियन ने बोला था कि और चार इरमा बनाओ, अभी तक तो वो नहीं हो पाया, उनका अभी जो सपना है अभी अधूरा है। और बाकी जितने सर अभी दूसरे यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं वो मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो अभी उसके लिए वो प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। प्रोफेसर वर्गीज कुरियन 1979 से 2006 तक इरमा के चेयरमैन रहे थे और उनकी सोच कैंपस से ऐसे लोगों को पढ़ाकर निकालने की थी जो ग्रामीण भारत का चेहरा बदल सकें। उन्हीं की सोच यहां लगी हर घंटे बजने वाली घंटी कैरिलन चाइम्स में बजती दिखती है, जिसे उन्होंने खास तौर पर हॉलैंड से मंगवाया था। इरमा के बारे में एक चीज कही जाती है कि जो भी यहां से पढ़कर निकलता है उसके जीवन में ताउम्र कैंपस की यादें जमा रहती हैं। साल में एक बार होने वाली एलुमनाई मीट में 40 साल पुराने छात्र भी खींचे चले आते हैं। इरमा के इस हरियाली भरे कैंपस की याद उन्हें अपने व्यावसायिक जीवन में भी गांव जरूरतमंदों को समर्पित नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने की प्रेरणा देती रहती हैं। सरकार के लिए संस्थान कई तरह की स्टडीज भी करता है, नीति आयोग के साथ मिलकर गांव के लिए कई कार्यक्रमों को बनाना भी होता है इरमा को। I appreciate that Irma, since its inception in 1979, has been working tirelessly to build an India that Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi dreamt of. My dear sisters and brothers and youngsters, this institution is a testimony to the leadership and foresightedness of Dr. Varghese Kurian, who was a great institutional builder.